Dear students, welcome to Learning Management System of Saath, Kamyabi Hamare Saath. Dear students, आज हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, टेस्ट नंबर 4, और इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5. सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is correct order of frequency? याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट है. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी. तो अगर हम रेडिएशंस या इनका रेज का फ्रीक्वेंसी ऑर्डर देखें तो वो ये बनता है, सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज हैं, फिर गैमा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो ये आंसर बन जाएगा सी. Question number 2, Heisenberg's uncertainty principle is not applicable to. Dear students, Heisenberg's uncertainty principle applicable होता है microscopic particle पर. इसका मतलब है electron, proton, neutron पर तो apply होगा, dust particle पर apply नहीं होगा. D. Question number 3, An atomic orbital has L1 M plus 1 0 minus 1 N 3. Then which of the following atomic orbital has such values? देखें N की value 3 है, तो इसका मतलब 2P नहीं हो सकता क्योंकि 3 आना चाहिए साथ. और L 1 हो तो P होता है. इसका मतलब है L 3, 3 इसमें L 3 L 1 है. Sorry, यहाँ L 1 आना है. L1 is for P subshell, यहाँ L1 आएगा और N3 है, means 3P यहाँ पर आंसर बन जाएगा. Dear student, यहाँ L1 आएगा, L3 नहीं आएगा. तो इसका आंसर बन गया C. इसी तरह shape of dz-square orbital, dz-square orbital की ये shape होती है, ये dumbbell shaped होता है और साथ इसमें ये collar होता है. तो ये डंबल शेप्ड विद कॉलर यानी सी आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, विच हैज लोएस्ट एनर्जी. इसमें देखें ये ओबो प्रिंसिपल के मुताबिक है, ये सब शेल के एनर्जी लेवल्स हैं. तो इसमें 4f यहां पर है, 4f के बाद 5d है, फिर 6p है, फिर 7s है. तो यहां पर इस रो में देखें सबसे लो एनर्जी 4f की है, तो इसका आंसर बन जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 6, वेव नंबर का यूनिट पूछा गया है. वेव नंबर वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है. वेव लेंथ का यूनिट मीटर है, तो वेव नंबर का पर मीटर आ जाएगा, आंसर बन जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 7, स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम लाइन. सोडियम में दो येलो कलर लाइंस होती हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने याद रखना है. सोडियम में दो लाइनें आती हैं, अल्कली मेटल्स में दो लाइनें ही आती हैं स्पेक्ट्रम में. डबलेट लाइन स्ट्रक्चर होता है इनका और इसमें सोडियम की येलो कलर की लाइंस होती हैं. आंसर बन जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 8, द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज. पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं गैस से, तो इनकी नेचर भी गैस से डिपेंड करती है. सी, नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस. क्वेश्चन नंबर 9, ई ओवर एम वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर. देखें चार्ज ऊपर है, मैस नीचे है. इसका मतलब है मैस जितना कम होगा, चार्ज टू मैस वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी. इसका मतलब है लेसर दी मैस, ग्रेटर दी चार्ज ओवर मैस वैल्यू. और सबसे कम मैस पीरियोडिक टेबल में किसका है, हाइड्रोजन का है. तो हाइड्रोजन की चार्ज टू मैस वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, तो आंसर बन जाएगा अल्फा. 10, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट. डियर स्टूडेंट्स, रेडियस का फार्मूला होता है 0.5 टू 9 डिग्री एंगस्ट्रम इनटू एन स्क्वायर. एन की वैल्यू रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, यहां 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर बी बन जाएगा, बीटा. क्वेश्चन नंबर 11, An orbital which is spherical symmetrical, ये s होता है. ये देखिए 1s, 2s, 3s सारे spherical symmetrical हैं. फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ साइज का होता है. 1s is smaller in size, 2s का साइज बड़ा, 3s का साइज और बड़ा,
लेकिन रहेंगे ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल ही, तो ये आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड, व्हाई? बिकॉज इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बीटा। ये स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, साथ साथ एनर्जी रिलीज करेगा तो ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब है इसने एटम की स्टेबिलिटी का ख्याल नहीं रखा, तो बीटा आंसर होगा। 13, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू विच एटम? अगर आप गौर से स्टेटमेंट पढ़ें तो ये एटम है, गिवन ऑप्शन में एटम सिर्फ हाइड्रोजन है, हीलियम और लिथियम आइंस हैं, ये एटम नहीं है, तो आंसर अल्फा होगा। अगर वो पूछता विच स्पीशी, तो फिर हाइड्रोजन भी होता, हीलियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस टू के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये सब पे अप्लाई होता क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई होता है। 14, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो तो जीमैन अल्फा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो स्टार्क इफेक्ट होता। 15, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम प्रोटॉन इज प्रेजेंट, प्रोटॉन तो होता ही न्यूक्लियस में है, तो ये इन द न्यूक्लियस अल्फा आंसर हो जाएगा। अगर होता इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट तो फिर होता नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो फिर सी आंसर बनता। 16, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 4f, 4f का मतलब है n की वैल्यू 4 आएगी और f है तो l 3 आएगा, तो ये आ गया n 4 l 3, इसका मतलब है a और c आंसर नहीं हो सकते क्योंकि n 4 है तो l 3 होना चाहिए, या आंसर b है या d है। अब b और d में से l और m की वैल्यू इक्वल हो सकती हैं, m की वैल्यू कभी ज्यादा नहीं हो सकती, तो आंसर बन जाएगा इसका डी। देखिए, एल जीरो हो तो एस है, वन हो तो पी है, टू हो तो डी है, थ्री हो तो एफ है, तो एफ एल थ्री आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकते ए और सी। इनमें से देखना है तो एल की वैल्यू तो एम से ज्यादा हो सकती है, एम की वैल्यू कभी एल से ज्यादा नहीं हो सकती, तो डी आंसर बन गया। 17, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, सी बन जाएगा। व्हेन 4d इज कंप्लीट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू, ओबो प्रिंसिपल देखें, 4d फिल हुआ है, यहां पर देखें ये है 4d, जब 4d फिल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन 5p में चले जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू। देखें, पहले वाली सीरीज लाइमन सीरीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट। अगर बाल्मर होती तो सेकंड ऑर्बिट होता, पास्टन में थर्ड है, ब्रैकेट में फोर्थ है, और अगर पीफंड होती तो फिफ्थ ऑर्बिट होता, तो इसका आंसर अल्फा। 20, विच इज नॉट करेक्ट रिलेशन बीटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, तो ये आंसर बी बन जाएगा। पार्टिकल्स हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इवन इफ दे हैव सेम स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली इक्वेशन देखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अगर मास कम हो तो वेवलेंथ ज्यादा होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो मास सबसे कम होगा, और सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपने याद रखना है अल्फा है, ये न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज करेक्ट फॉर द एनर्जी डिफरेंस, अगर हम एनर्जी का फार्मूला देखें तो ये होता है जी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर आपने किलो जूल पर मोल में देखना है तो यहाँ आ जाएगा 1313.315, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये n स्क्वायर, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है n की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी ये वाला आंसर उतना ही छोटा होता जाएगा, यानी n की वैल्यू छोटी होगी तो आंसर बड़ा होगा, तो n की वैल्यू छोटी है तो आंसर बड़ा आ जाएगा, ये आ जाएगा e2 - e1, e3 - e2, 4 - 3।
तो ये सी आंसर बन जाएगा। बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए में क्या है, ई थ्री माइनस ई फोर किया हुआ है, ये ए फोर माइनस ई थ्री होना चाहिए था। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट, ये 0.053 नैनोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है, ये बोहर्स मॉडल से ही है, 0.529 डिग्री एंगस्ट्रम होता है, या उसको आप 0.053 नैनोमीटर कह सकते हैं। ये बोहर के मॉडल में आप फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसका रेडियस देखें, इतना ही आएगा नैनोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 25, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन नहीं होती तो एनर्जी जीरो होती है, तो ये बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट विल नॉट फॉलो हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल में रहेंगे विद सेम स्पिन, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही एक है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें बोहर जो हॉर्न्स रूल है वो फॉलो होने के लिए कम अज कम दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होने चाहिए। हॉर्न्स रूल फॉलो होने के लिए कम अज कम दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होने चाहिए, फिर हॉर्न्स रूल अप्लाई होता है, वरना अप्लाई नहीं होता तो फ्लोरीन पर अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन ऑब्टेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू एन थ्री, हायर ऑर्बिट से एन वन में आए तो लाइमन, एन टू में आए बाल्मर, एन थ्री में आए पासन, तो ये पासन सीरीज बन जाएगी सी। क्वेश्चन नंबर 28, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट, जब वो फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में आता है यानी नीचे को आ रहा है, डियर स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें ये है एन की वैल्यू, अब जितनी एन की वैल्यू कम होगी ये वाली वैल्यू उतनी नेगेटिव में बढ़ी आएगी, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू तब आएगी जब एन की वैल्यू वन होगी, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी जिसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये सबसे थोड़ी होगी, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, और नेगेटिव में वैल्यू छोटे होने का मतलब है बड़ी हो रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू तब आएगी जब एन वन होगा, और वो कितनी होगी, -13.6 होगी, इसका मतलब है पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, और जब इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे ऑर्बिट में आएगा तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले में आया है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, अल्फा डिक्रीज कर जाएगी। 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल होती है, एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में चले जाता है, तो ये आंसर बन जाएगा सी। किन किन एलिमेंट्स की एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये दिए हुए हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेडियम, क्रोमियम, लेबडीनम, इनकी एनर्जी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल होती है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एस से डी में चले जाता है इन सब में। लास्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वर्टेड बाय मुजले, कि कौन सा पेयर था, पोटेशियम और आर्गन का था, पोटेशियम का मैस 39 होता है, आर्गन का 40, अगर आप मैस की बेस पे रेंज करेंगे तो पोटेशियम पहले आएगा 39 और आर्गन बाद में आएगा, लेकिन मुजले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे रेंज करके उलट कर दिया तरतीब को, आर्गन कितना है 18, पोटेशियम 19, तो इसका मतलब आर्गन पहले आएगा और पोटेशियम बाद में आएगा, तो ये बी आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।